संत का कोई जात नहीं होता है, संत जंजर में होते हैं। काश आज संत रविदास जी अगर चमार कुल में पैदा नहीं लिए होते तो आज के डेट में लोग इनको जय जयकार करने का काम करते। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहते हैं, है चमार भाइयों, गर्व से कहो हम चमार हैं। चमार कुल में पैदा लेकर संत रविदास जी ने इतिहास बनाने का काम किया है। आज से 641 वर्ष पहले जो संत रविदास जी ने हम दलितों का मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, बाजार में चलने नहीं दिया जाता था, सर को पर चलने का अधिकार नहीं था, इससे अधिकार दिलाने का काम संत रविदास जी ने करने का काम किया है। इसलिए संत रविदास जी हमारे वंशज हैं, हमारे कुल हैं। संत रविदास जी ने आज आप लोगों ने जयंती मनाया, अच्छी बात है। जयंती मनाकर आपने संत रविदास और रविदास एकता को आपने प्रदर्शित किया। लेकिन संत रविदास जी का तीन मंत्र है, वह मंत्र है कि सबसे पहले आधा पेट खाएंगे बेटा बेटी को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाएंगे नशा मुक्त समाज बनाएंगे, आधा पेट खाएंगे अंधविश्वास को मिटाएंगे। ये तीन मंत्र को लेकर तभी हमारा प्रगति हो सकता है, तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये संत रविदास जी में उतनी शक्ति है कि आप समझ सकते हैं कि जिसको आंख नहीं है उसको आंख भगवान संत रविदास जी आंख देते हैं। जिस माता का गोद खाली है उसको गोद भरने का काम करता है, जो गरीब है उसको अमीर बनाने का काम करता है। इसलिए संत रविदास जी हमारे वंशज कुल है, संत रविदास जी हमारे मान और सम्मान है। हम मर मिटना कमल करेंगे लेकिन हम अपने संत श्रोमणी गुरु रविदास के विचारधारा को खंडित होने नहीं देंगे। आज की सरकार चाहे राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो, आज हमारा आरक्षण खत्म करना चाहता है, हम आरक्षण समाप्त होने नहीं देंगे। आरक्षण हमारी शक्ति है, आरक्षण हमारा ताकत है, आरक्षण हमारा मान और सम्मान है। हम मर मिटना कबूल करेंगे लेकिन अपने आरक्षण को समाप्त होने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सहदेव भाइयों, आप सभी लोगों का मैं और खास करके माता बहन के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और नौजवानों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो इतिहास आप बनाया है इसी तरीका का कारवा चलते रहना चाहिए। हमारे साथ पाकरपुर के मुखिया राजीव जी हैं, हमारे साथ राजा पाकर के प्रमुख लक्ष्मण जी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय रविदास। जय रविदास।